अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए चलते हैं क्लास टेंथ की वीडियो की तरफ। आज से आपकी टेंथ की वीडियो मिलेगी कंटिन्यूअसली, और सबसे पहले हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जिसमें कि हमारा आज हमारा तीसरा टेस्ट है। बच्चों का बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं गया है, जिस तरह से बच्चों को समझाया था वो बच्चे नहीं कर पाए, इसलिए इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। और चैप्टर 1, 2, 3 का टेस्ट नंबर 1 था, चैप्टर 4 का टेस्ट नंबर 2 था, उनकी वीडियो आपको बाद में देंगे। पहले हम आपको चैप्टर 5 की वीडियो देते हैं। समय ना लेते हुए डायरेक्टली बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 1 नंबर था, इसमें आपसे पूछा गया था, अच्छा जिन बच्चों के पास टेस्ट ये पेज नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा टर्म्स है। तो सबसे पहले टर्म्स को हम नॉर्मल टर्म बनाते हैं कि ये जो अंडर रूट है सबको अंडर रूट की फॉर्म में करते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 2। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आपने कैसे बना दिया। देखिए जो हमारा अंडर रूट होता है ये करनी की फॉर्म में होता है, इसका जो वैल्यू होता है लाइक दैट कि अगर हम कोई भी चीज, जैसे हमने ये 8 करा तो 8 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इनमें से एक जोड़ा बाहर निकालेंगे 2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार से हम किसको करेंगे, 18 को करेंगे, 3 3 9 2 18, 3 बाहर आएगा और अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 16 2 32, तो 4 बाहर और 2 अंदर। आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप ये समझ चुके होंगे, आपको आता है, और एग्जामिनर को ये दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि डी बराबर में A2 माइनस में A1 बराबर में A3 माइनस में A2 बराबर में A4 माइनस में A3, मतलब 1 2 3 4 पद है, तो चारों पद आप देखेंगे। तो D1 बराबर में बेटा 4 2, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, A2 की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 2 बराबर में A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 3 अंडर रूट 2 और माइनस में अंडर रूट, सॉरी 2 अंडर रूट 2। आगे हमारे पास कितना आ जाएगी, A4 की वैल्यू है हमारे पास 4 अंडर रूट 2 माइनस में 3 अंडर रूट 2, मतलब कि पिछले पद में से अगले पद को आपको घटाना है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो डी बराबर 2 में से देखिए यहाँ पे हमारे पास है, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो आप अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 माइनस 1 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, 3 माइनस 2 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए तो अंडर रूट 2 माइनस 3 बचेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं 4 में से 3 गया, तो कुछ बच्चों को नहीं पता होता है तो उसके लिए आपको बताया जा रहा है कि कैसे होगा। यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, गलती से लिख गया है, 4 माइनस 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक वैल्यू बची तो सिर्फ अंडर रूट 2 आएगा, 3 में से 2 गया तो अंडर रूट 2 ही आएगा, 4 में से 3 गया तो भी 1 बचेगा तो अंडर रूट 2 आएगा। हाँ आपको लिखना सिर्फ ये, हाँ यह है एक AP है, यस इट इज एन AP। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से करना है, आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत सिंपल दिया हुआ है कि a बराबर 10 d बराबर 10 AP के 4 पद ज्ञात कीजिए, 1 नंबर में दिया गया है तो आपको लिखना है। वैसे तो ये सिंपल सी बात है कि आपको ऑप्शन में देगा, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए कैसे, जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चन है सारे ऑप्शन में होंगे, ठीक है, आपको कैसे लिखने हैं, बट ये 2 नंबर में भी आ सकता है, तो कैसे होंगे, माना एपी के प्रथम 4 पद A1 A2 A3 व A4 है, इसलिए आप सिंपल सा A1 बराबर में A, ठीक है, तो बराबर 10 हो गया, A2 बराबर में A+D तो बराबर में 10+10 बराबर में कितना हो जाएगा 20, A3 बराबर में A+2D तो बराबर कितना हो जाएगा 10+2 × 10 = 20 = कितना हो जाएगा 30, और A4 बराबर कितना हो जाएगा आपका A+3D और A4 बराबर आपका आ गया 10+3 × 10, तो A4 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 10+30 = 40। तो आपके पास AP के 4 पद क्या हो जाएंगे,
10, 20, 30 एंड 40, बस इतना ही आपको लिखना था और ये आपका आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का इस प्रकार है उनका सही है, जिनका नहीं है उनका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, बहुत सिंपल है। बोलेगा एपी का 20वां पद, 30वां पद, 12वां पद, 10वां पद कैसे भी। तो सबसे पहले आपको क्या है दिया है, गिविन है आपको। गिविन में क्या है, ए बराबर आपके पास 15 है। जब बोल देगा एपी है तो आपको डी जो है डायरेक्टली निकालना होता है। कैसे, ए बराबर 15, डी बराबर में दूसरे पद में से पहले पद को, मतलब 12 माइनस 15 कर दीजिए, आपको पूरा 4 पद का निकालने का डी या 3 पद का निकालने का डी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको जब डी निकालोगे बेटा तो 12 यहाँ पे कितना है हमारा, 12 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3 डी आ जाएगा। अब कह रहा है वो 20वां पद, मतलब जो हमें दे रखा है वो एन का वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, एन का वैल्यू। आपको फॉर्मूला लगाना है कि एन 20 इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस एन वन, मतलब फॉर्मूला हमारा कौन सा, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस में 1 डी, ये फॉर्मूला है हमारा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 माइनस में 1 डी। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ए 20 इक्वल टू ए प्लस 19 डी, एज योर विश ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। ए प्लस में यहाँ पे एक, सॉरी ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है 15 और डी की वैल्यू क्या है, सॉरी 20 में से 1 गया तो 19 और डी की वैल्यू क्या है माइनस हमारे पास 3, तो 15 हमारा एज इट रहेगा जो हमारा दिया हुआ है। और 19 की गुणा 3 में करेंगे तो 19 57, 57, ठीक है। यहाँ पे से 5 में से, सॉरी 7 में से 5 गया 2, ठीक है, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 माइनस का 42। तो एपी का 20वां पद कितना होगा जो इसमें पूछा गया है, वो माइनस 52। आप डायरेक्ट यहीं छोड़ सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं कि एपी का 20वां पद माइनस 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। इसने क्या बोला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 अंकों की संख्या लिखते हैं, तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले आप लिखिए कितनी, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या, संख्या ऐसे लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, 10, 11, 12, 13 .. 19 है। ये हमारी क्या है, 2 अंकों की संख्याएं जो 10 से स्टार्ट होती है 99 पे खत्म होती है, बट उसने कहा है कि 3 से विभाज्य। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इसमें निकाल के देखेंगे इसको ना, मतलब जैसे होता है ना कि एक मन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है, 3 का टेबल सबको आता है, 2 का टेबल सबको आता है, सबको आता है 20 तक लगभग सभी, 10th क्लास में पढ़ रहे हो इतना आता है आपको। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, कि हमने 3 से जैसे देख रहे हैं ना कि भाई 3 से विभाजित है या नहीं, तो हम इस यहाँ पे लिखेंगे 3 से विभाजित विभाजित प्रथम संख्या 12 बराबर 12 है, ठीक है, क्योंकि 3 से कितने, 3 के पहाड़े में 12 आता है, ठीक है। अब आप चाहें, ठीक है, 3 से विभाज्य दूसरी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 15 है। अब सबसे पहले कंफर्म कर लो कि यहां पे हमें दिया है, ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास में वो डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है, मतलब 3 से विभाज्य ऑलरेडी डिफरेंस है, ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास में कितनी आ गई 12, अंतिम संख्या हमारे पास, सॉरी 3 से दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 15 आ गई। अब अंतिम और ले लेते हैं बस, 2 होने के बाद 3 से विभाजित अंतिम अंतिम संख्या, अंतिम संख्या हमारे पास, देखिए अंतिम संख्या 99 है, तो इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और 3 3 9, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास में डिवाइड हो रही है 99। अब कभी कभी क्या होता है कि वो जैसे कि 98 होती तो इसको डिवाइड करते, क्या ये होती है, नहीं, अगर नहीं होती तो कैसे करते, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको समझा देंगे। जैसे कि इसी को लेते हैं, जैसे 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे कटेगा, 3 8, 3 से काटेंगे, 3 3 9, ठीक है, हमारे पास 8 बचा। अब 3 में कैसे करेंगे,
तीन कितने बार, तीन तिया तो जाएगा नहीं, तो तीन दूनी कितने करेंगे छह। यहाँ पे कितना हमारा बचा शेष, दो। तो जो बचा है 98 में से जो यहाँ शेष बचा है, ठीक है, जो भी हमारे पास में रिमाइंडर बचा है, हम क्या करेंगे रिमाइंडर को इसमें से, ठीक है, माइनस कर देंगे दो में से, तो कितना बचेगा 96। जो 96 है, तो दो अंकों की जो संख्या है अंतिम वो 96 हो सकती है, ये अलग केस में है, अभी तो राइट नाउ 99 है। बात समझ में आ रही है? इस तरह हम इसको डिवाइड करके और शेष को घटा के हम इसमें से चेक कर लेते हैं। चलो, तो हमारे पास में कितनी हो जाएगी, जो अंतिम संख्या है वो कितनी है 99 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बराबर में 12 और डी बराबर में हमारे पास 3 है ऑलरेडी, और ए एन बराबर में जो अंतिम संख्या है वो 99 है। बात समझ में आ रही है? पूछा क्या गया है कि कितनी संख्या है, हमसे जो ज्ञात कराया जा रहा है वो हमसे एन ज्ञात कराया जा रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन डी, पुट द वैल्यू, ए एन की वैल्यू है 99 और बराबर में ए की वैल्यू है 12, प्लस में एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, डी की वैल्यू 3 है, यहां पे हम क्या करेंगे 99 बराबर में 12 प्लस में 3n और माइनस में 3, राइट, 3 की गुणा कर ली यहाँ पे डी की। अब यहाँ पे 99, हाँ आप 12 को भी इधर ला सकते हो, मगर पहले हम यहीं पे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अंक अंक से 12 में से 3 गए यहाँ पे तो 9 बचेंगे, तो 3n प्लस में 9 और 9 को इधर ले आओ, 99 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 90 बचेगा, ठीक है 3n। अब 3n से आप क्या करोगे, n बराबर में 90 अपॉन में कितना 3, 3 तिया 9, n बराबर में 30, n बराबर में 30। आप नीचे लिख दोगे कि दो अंकों की जो संख्या है, दो अंकों की संख्या के 30 पद, ठीक है 30 टोटल जो 30 पद, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। बात समझ में आ रही है? ये नीचे लिख दीजिए, ठीक है बस, ठीक है। 30 टर्म्स आर डिविजिबल बाय नंबर ऑफ 3, तीन से जो विभाजित संख्याएं हैं वो कितनी है, टोटल 30 है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये सिंपल सा क्वेश्चन का फॉर्मूला भी बहुत इजी है। ये इसमें दिया हुआ है एपी आपको, ठीक है, तो दिया हुआ है मैं आपको क्या लिखना है, ए बराबर 3, डी बराबर में 8 में से 3 गए 5, और ए एन जो अंतिम पद है आपका 253 एल से डिनोटेट करते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, जब आपको ज्ञात करना है वो कह रहा है अंतिम से 20वां पद, मतलब पीछे से आगे की तरफ 20वां पद जब आपको ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस, ठीक है, एल माइनस एन माइनस वन और डी, ठीक है, जो इसका आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, हमारा होता है एल माइनस एन माइनस डी। कुछ बच्चे इसको ए मान लेते हैं और पीछे से जब चलते हैं, बेटा जब पीछे से चल रहे होते हैं तो आप डी निकालने के लिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ बच्चे डायरेक्टली इसके टर्म्स निकाल लेते हैं, तो इसका जैसे डायरेक्ट टोटल टर्म्स निकालेंगे वो 25 आएगा, तो उसमें से जब माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको गलत कर बैठते हैं। आप सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकालें और बहुत इजी निकलेगा इसमें, ठीक है। जो इंग्लिश में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, अंतिम से। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 253, माइनस में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एन की वैल्यू है एन की वैल्यू आपके पास में कितना 20, तो 20 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, बराबर में कितना 253 माइनस में 19 गुणा 5, ठीक है 253 उन्नीस पंजे 95, यहाँ पे 95, 13 में से 5 गए 8, राइट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, 14 में से 9 गए हमारे पास में कितने बचेंगे, ठीक है 5, और यहाँ पे हमारे पास 1, तो हमारा आंसर आया 158। हमारा आंसर कितना आएगा 158। हमारे पास में देखिए दोबारा देखेंगे l माइनस एन माइनस वन डी, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 90 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 95 आएगा, 253 में से 95 जब जाएगा वो हमारा 158 आएगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे,
ठीक है, एपी का अंतिम पद से, ठीक है ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 कभी कभी 5 नंबर में भी दे देता है आपको, और वैसे तो ये 3 नंबर में आता है, कभी कभी दे देता है। तो जैसे अब हम यहाँ देखेंगे, हमें दिया है कि एपी के, अब क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ देता हूँ। उसने बोला है कि एपी के 4th और 8th पद का योग। देखिए यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते हैं बच्चे कि योग समझ लेते हैं तो SN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। नहीं, एपी के पदों का योग बोल रहा है कि 4th और 8th पद का योग 24 है और 6th और 10th पद का योग 44 है। तो प्रथम एपी के 3 पद 4 पद ये आपसे निकलवाए, तो ये हमने दिया है, हमें लिख दिया, और एपी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने। तो हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम मान के चलेंगे, हाँ लिख लेंगे, माना एपी के प्रथम 3 पद क्या है हमारे पास, A1 A2 और A3 है, ठीक है, ये हमें काम आएगा। ठीक है, लिखने से क्या होता है ना कि मानने, अज्यूम करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो, A4 प्लस में A8 बराबर में 24, ठीक है। A4 को क्या लिख सकते हैं हम, A+ में 3D और प्लस में यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, A+ में 7D इक्वल टू 24। 1 और 1 2A, 3 और 7 कितने होते हैं 10D बराबर में 24। कुछ बच्चों ने गलती करी है कि वो डायरेक्टली यहाँ पे इसको इक्वेशन ले लिया, फिर घटाने में प्रॉब्लम होती है। बेटा पहले इसका सही रूप बना लीजिए, और कुछ बच्चों ने जब डिवाइड कराया इसको यहाँ पे, जैसे कि 2 से डिवाइड करने पर यहाँ भी प्रॉब्लम करी है। तो अब क्या है, समीकरण को 2 से भाग देने पर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जब 2 से भाग देंगे तो 2 × 5 = 10, 5D और 12 को काटेंगे तो 24 को काटेंगे तो 12 आएगा। अब हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाएगा यहाँ पे, अब समीकरण फर्स्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे, जो कह रहा है वो A6 + A10 = 44। ये आपको दिया है, A6 को कैसे लिखेंगे, A+5D बता रखा है आपको, ठीक है। A+9D बराबर में 44, क्लियर है। 1 और 1 कितना हो गया 2A, 9 और 5 कितने होते हैं 14D बराबर में 44। समीकरण को वही यहां पे लिखेंगे, कितने से डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर, यहां लिख दीजिए, ठीक है। 2 से भाग देने पर डिवाइडेड बाय 2, जब 2 से डिवाइड करोगे तो A+7D = 22। ये हमारी समीकरण सेकंड होगी। अब यहां पे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, चैप्टर 3 क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है, विलोपन विधि, ठीक है। डिवाइडेड सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, A+5D = 12, ये हमारी पहली समीकरण है। A+7D = 22, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, राइट। अब इसको आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये हमारा खत्म हो गया। 7 में से 5 गए तो माइनस का 2D हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास माइनस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब D की जो वैल्यू निकालोगे, D बराबर -10/-2, माइनस से माइनस गया, D = में कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 × 10, तो कितना आ गया आपके पास, वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। बात समझ में आ रही है, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब D का हम क्या करेंगे यहाँ पे, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कौन सी है हमारी, ये ऊपर, तो 5 A+5 × 5 = 12, तो A+ में 25 = 12 और A = 12 - 25 और
इक्वल टू 25 में से 13 जाएंगे तो माइनस, सॉरी 25 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 13 बचेंगे। यहां हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, ap के प्रथम पद। तो ap के प्रथम पद a बराबर में a होता है तो बराबर माइनस 13 आ गया यहां पे, और a2 बराबर होता है a प्लस में d बराबर में माइनस 13 और d की वैल्यू 5 है तो आंसर आएगा माइनस 8। और a3 जो है आपका वो a प्लस में 2d हो जाएगा, बराबर में हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 13 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5 तो बराबर में माइनस 13 और प्लस में 10 बराबर में हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3। और AP हमारे पास क्या हो जाएगी, AP हमारे पास हो जाएगी माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। क्या आप समझ पा रहे हैं, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से हमें यह सवाल करना था, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, एपी के प्रथम तीन पद लिख सकते हैं आप वहां पे, जैसे लिखा हुआ है मान के, तो यहाँ पे लिख देंगे एपी के प्रथम तीन पद क्रम से माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। ठीक है, सवाल बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था, आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्टली ये सवाल जो आता है मोस्टली दो नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 7, बट मैंने एक नंबर का दिया है। और देखिए अभी मैंने ऑप्शन में कोई भी सवाल नहीं दिया है, रीजन क्यों नहीं दिया है आपको ऑप्शन में सवाल, अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ये आप लोग की ज्यादा से ज्यादा सवाल को सॉल्व करें, आपको ऑप्शन में सवाल दिए जाएंगे जब आपका लगभग 2 या 3 फरवरी से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तब आपको ऑप्शन बिहाफ पे दिए जाएंगे। ठीक है, अभी हमें क्या है, गिवन में आपको दिया हुआ है एल ए एन, इसको ए एन भी बोलते हैं, अभी अभी पढ़ाया है अंतिम पद। एस की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है, जो उसमें दिया ना, कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि एन कौन सा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में एल बराबर एस बराबर और कुल पद, जो कुल पद है वही है, वो एन है। ठीक है, बच्चों ने इसको भी गलत कर दिया है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे क्या बहुत सिंपल है, एस एन बराबर में एन बाय टू अपॉन में ए प्लस एल, ये हमारा फॉर्मूला है। एस एन की वैल्यू हमारी 144 है। अरे ये जो एस है ये एस एन ही है, इसे भी बच्चे गलत कर रहे हैं। एन की वैल्यू यहाँ पे 9 है, कुछ बच्चों ने इसको भी गलत लिखा है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, और एन की वैल्यू कितनी है, 28 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले क्या करिए, दो की गुणा कर लीजिए, 144 दो की गुणा ऊपर पहुंच गई। फिर क्या करें, जो ये 9 है, अब आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं इजीली अगर आप चाहे तो। ठीक है, कि अब आप यहां पे देखिए, अगर इसकी गुणा करेंगे बहुत इजी है कि आप इसे थोड़ा सा इजी कर लें कि 9 से इसको डिवाइड कर लें, लाइक दैट कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करने जाएंगे तो 9 नीचे आ जाएगा। दूसरा तरीका बता देंगे, ए प्लस में 28। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, यहां इसको काट लो, 9 से काटेंगे 16 बार काटेगा। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 बराबर में a प्लस में 28, तो a बराबर में 32, जब संख्या इधर आएगी 32 में से 28 जाएंगे तो a बराबर में 12 में से 8 के 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा तरीका यहां से और क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है, 44 मल्टीप्लाई 2 बराबर में 9 की गुणा अंदर कर दो, 9a और प्लस में 9 की गुणा 28 में करो, 9 8 72 का 2 हासिल को 7 और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने होते हैं, 25। ठीक है साहब, अब क्या करें, इसकी गुणा कर लीजिए। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और इस संख्या को धन ले दिए, 252 इक्वल टू 9a, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 5 गए 3 बराबर में 9a। अब यहां पे क्या करेंगे, अब आप a बराबर में 36 बटे 9, 9 चौक 36, a बराबर में 4। अब बच्चों आप खुद देख लोगे आपको कैलकुलेशन कौन सी इजी लग रही है, देखिए ये इजी लग रही है तो इसे कर लीजिए, ये इजी लग रही है तो इसे कर लीजिए, सवाल एक ही है, आंसर एक ही आएगा। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी कैलकुलेशन को कितना इजी और कितना हार्ड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी दिया है और अच्छा भी है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, मैंने 4 नंबर का आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है उसने,
सिंपल सा दिया हुआ है बेटा कि किसी एपी के प्रथम साध, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंस चेक करते हैं। किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग, चौथे और आठवें मतलब उसने यहाँ पे क्या दिया, चौथे और आठवें पद का योग, उन दोनों को जोड़ा है। और इसमें क्या बोला है यहाँ पे कि किसी एपी के प्रथम सात पदों का योग, सातों को जोड़ दिया है उसने, वहां पे क्या लिया है चौथा और प्लस छठा मतलब चार और छह इनको जोड़ा है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्या बोला है उसने कि सात पदों का योग, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ एपी के सात पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है। तो हमें ज्ञात जो करना है आपको, वो क्या करना है, ज्ञात करना है प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो माना एन पदों का योग एन है, हम ये मान लेंगे माना एन पदों का योग एन। सवाल की तरफ चलते हैं डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एस सेवन इक्वल टू, हम डायरेक्टली लगाते हैं सेवन सॉरी एन बाय टू, तो सेवन अपॉन टू, ठीक है साहब। और a प्लस में n की जगह 7 माइनस 1 और d की जगह d ही रहेगा। तो s7 की जगह हम क्या रख देंगे 49 इक्वल टू 7 अपॉन 2, राइट। और a की जगह a रहेगा, 7 में से 1 गया तो 6 रही। यहां से इसको क्या कर लेंगे उसी प्रकार से जैसे हम पहले करा था, 49 मल्टीप्लाई 2 दो की गुणा ऊपर और 7 नीचे बराबर a प्लस 6d, ठीक है। 7 से 49 कटेगा कितने बार, 7 बार, 7 दूनी 14, तो a प्लस 6d बराबर में 40, ये समीकरण हमारी फर्स्ट होगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पे जाएंगे दूसरे वाले की तरफ, दूसरा हमारा क्या है s 17 इक्वल टू 17 अपॉन में 2 और a प्लस में 17 माइनस में 1d, ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे सिमिलर रहेगा, s 17 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 289, ठीक है, इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा बराबर में 17 अपॉन में 2, तो a प्लस में यहां 16 में से 17 में से 1 गया 16, d गुणा हुई उसी प्रकार से 289 मल्टीप्लाई में 2 ऊपर और 17 नीचे इक्वल टू a प्लस में 16 d, ठीक है। बात यहां तक समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, हाँ या ना। चलिए अब यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है 289, मुझे याद है आप भी याद कर लीजिए, 17 की गुणा 2 में करेंगे तो 17 दूनी 34 सॉरी 34 a प्लस में 16d, इसे इधर ना लिख के आप इधर लिख दीजिए 34, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड। सिंपल सा सवाल है पहले की तरह, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास a प्लस में 6d बराबर 14 और a प्लस में कितना 16d बराबर में 34, ये आपकी सेकंड हो। अब यहां आप क्या करेंगे माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस 16 में से 6 गया 10d बराबर में माइनस का बेटा ये यहां पे कितना बचेगा 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2 माइनस का, तो d बराबर में माइनस के 20 अपॉन माइनस के 10, माइनस से माइनस खत्म, 10 दूनी 20 होते हैं बेटा, तो d की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करेंगे d का मान समीकरण कौन से में रखने पर बेटा, फर्स्ट में रखने पर। अब कहोगे सर जी अपने आप ही रखते रहते हैं फर्स्ट में, सेकंड में रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद चेक कर लेना, मैं तो इजी ढूंढता हूं, इजी आप भी ढूंढा करो। तो 14, ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा a प्लस में 12 बराबर में 14, a बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास में सही चल रहा है ना सब कुछ, 6 दूनी 12 14, ठीक है जी। अब हमारे पास में कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, चलिए बहुत बढ़िया, तो 14 माइनस 12 तो a बराबर भी हमारे पास कितना हो गया 2, वेरी गुड। ये तो बड़ा कोइंसिडेंट हो गया कि आपके पास a बराबर भी 2 आ गया और d बराबर भी 2 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, an निकालना है। देखिए गाइस एक छोटी सी मिस्टेक्स हो गई है, बट उस मिस्टेक से हमारे सवाल में बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। एक दिक्कत है, जैसे हमारा एक फॉर्मूला होता है sn बराबर में n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 गलती से मिस हो गया है हमसे, तो यहाँ 2 चलता रहेगा,
तो यहाँ पे दो रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी हमने गलती कर दी है, यहाँ पे भी टू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ दो रहेगा, दो, ठीक है, दो। अच्छा, अभी इससे हमारे सवाल में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, डी निकालने में कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, तो ये माइनस हो जाएगा, खत्म हो गया, डी आ गया। मगर ए निकालने में 100% हमसे मिस्टेक हो जाएगी अगर हमने ये गलती रखी तो यहाँ टू है तो हमारे पास टू ही रहेगा। 14 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, दो बचेगा, और यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, ये दो है, ठीक है। अब जब a निकालोगे बेटा तो a बराबर में कितना होगा हमारे पास, दो आया हमारे पास यहाँ पे, 2a बराबर में 2 और a बराबर में 2/2, 2 से 2 काटा तो a बराबर 1, ठीक है। a बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। हमारे पास a भी है, d भी है, I'm really sorry, by mistake हो गया ये, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें एन पद ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं हमें, एन पद। तो हम उससे मान के चले यहाँ पे बेटा कि जो हम लेके चले तो एनवा पद, एनवा पद क्या होगा, एस एन, एन पदों का योग बोला है ना उसने, सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, ठीक है, 8, 8, 8, 8। तो प्रथम एन पदों का योग, तो हम जो देखे चले एन पदों का योग क्या हो जाएगा, एस एन बराबर में एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस 1d, ये होगा, ठीक है। एस एन की वैल्यू नहीं पता, निकालना है। एन की वैल्यू क्या है, एन पदों का योग, ये भी नहीं पता हमें। तो 2a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस n नहीं पता, d की वैल्यू क्या है, 2 है, ये जो पता है हम लिख देंगे। एस एन बराबर में एन बाई टू, दो दूनी 4 होते हैं बेटा, ठीक है, और प्लस में यहां पे जाएंगे 2n और माइनस में 2, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से चलेंगे एस एन बराबर में एन बाई टू, ठीक है जी साहब, एन बाई टू, दो में से 2 गए हैं, हाँ, हमारे पास में कितना हो जाएगा देखेंगे एक बार, सॉरी, हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 1 है, आज मिस्टेक होती जा रही है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 एकम 2 रहेगा यहाँ पे, कितना रहेगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, a की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है, और d की वैल्यू हमारे पास 2 है, वो पहले से याद रहा ना कि 2 निकाल दिया था हमने, इसलिए बाय मिस्टेक, ठीक है। चलिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे प्लस का और माइनस का ये कट गया, तो एस एन बराबर में एन बाई टू और यहाँ पे क्या बचा, 2n बचा, क्या बचा, 2n। अब जब गुणा में है तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, n मल्टीप्लाई n, n में n की गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, n स्क्वायर। तो प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, पदों का योग n स्क्वायर है, n स्क्वायर है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो अभी तक के जितने भी सवाल यहाँ पे सही गए हैं उस बच्चे का भी नाम यहाँ पे अनाउंस करा जाएगा, उस बच्चे के नंबर कितने आए हैं वो भी आपको बताया जाएगा, उस बच्चे की कॉपी कितनी अच्छी से उसने लिखा है वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो इंतजार करिए, वो लास्ट में बताएंगे हम आपको किसके अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज इट इज आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। चलिए बहुत इजी है, देखिए जरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। तो 9 क्वेश्चन में हमारे पास क्या हुआ है कि इस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, इस समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं आपसे और ये क्वेश्चन एज इट इज आपको 5 नंबर का दिया गया है। आपको गिवन में A11 इक्वल टू 38 और A16 इक्वल टू 73 दिया गया है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं कि हमसे दिया है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। पहले हम A और D की जरूरत है हमें, वो निकालेंगे। फिर यहाँ पे A31 ज्ञात करना है और A10 भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हमें A और D निकालने के लिए चलेंगे। तो जब क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A11 इक्वल टू 32, तो a प्लस में इसको क्या लिखेंगे, 10d बराबर में 32, ठीक है जी, ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट होगी। इसी प्रकार से a16 इक्वल टू 73, तो a प्लस में कितना हो जाएगा, 15d इक्वल टू 73,
ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास में, समीकरण फर्स्ट देखिए, समीकरण फर्स्ट है a प्लस टेन डी इक्वल टू 32 और सेकंड क्या है a प्लस क्या हो जाएगा 15 डी इक्वल टू 73। कुछ बच्चे चाहे तो इसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लास्ट में यहां पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, और ये अगर डायरेक्टली लिख देते हैं तो बहुत इजी बात है। ए से ए खत्म गया, 15 में से 10 गए तो 5 डी बचेंगे माइनस के, और यहां आपके पास में 13 में से 2 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, सॉरी 3 है, 3 में से 2 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। एक गलती हो रही है गाइस, रियली सॉरी, यहाँ 38 है, ये 32 लिख दिया है, 38 यहाँ भी 38 रहेगा और यहाँ भी 38 रहेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है मेमोरी पावर कम हो गया है। चलो अब यहाँ 13 में से 8 गए कितने बचे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 13 में से 8 जाएंगे, 8 5 13 5, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 4 में से 3 जाएंगे, सॉरी 6 में से 3 जाएंगे तो 3, ये माइनस के 3 बचेंगे, तो d बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 35 बटे में माइनस के 5, माइनस से माइनस खत्म, और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 5 7 35, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 आ गई, d का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। जब फर्स्ट में रखोगे बच्चे, फर्स्ट है हमारे पास में a प्लस 10 मल्टीप्लाई में 7 और बराबर में 38, तो a प्लस में 70 इक्वल टू 38 और a बराबर में 38 माइनस में 70, तो a बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास में, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32, 32। यहां तक आई होप आपको अच्छे से सवाल समझ में आया होगा कि यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे आई, डी की वैल्यू कैसे आई, ठीक है। अब हमसे दो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 31वें पद, ठीक है, एक 31वां पद क्या है और दूसरा है 10 पदों का योग क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, एपी का 31वां पद, यहां लिख सकते हैं एपी का 31वां पद होगा, ठीक है, a31 इक्वल टू a प्लस में 30d, ठीक है साहब, a की वैल्यू क्या है माइनस 32, d की वैल्यू क्या है आई थिंक हमने निकाली है 7, हाँ जी, ठीक है, तो माइनस 32 और प्लस में 3 7 21 210, और यहां इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8 और यहां हो गया आपका 0, 10 में से 3 गए 7 और ये 1 बचा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 178, तो यहां लिख देंगे एपी का 31वां पद कितना है, 178 है। अब क्या निकालेंगे, 10 एपी के 10 पदों का योग होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, एपी के 10 पदों का योग जो पूछा गया है, द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी, तो S10 बराबर में, ठीक है, S10 बराबर में 10 अपॉन 2 और 2a प्लस में 10 माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं S10 बराबर, 2 से काट लो, 2 5 10 5 और 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस 32, ब्रैकेट में लगाइए, 10 में से 1 गया तो 9 और d का मान कितना है बेटा 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। S10 बराबर में 5, 32 दूनी माइनस 64, ठीक है, 64 और 9 7 63, 63, ठीक है साहब। अब S10 बराबर हमारे पास 5, अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, ये 64 है, ये 63 है, 64 63 प्लस का छोटा है माइनस का बड़ा है, तो 1 बचा,
तो एस टेन बराबर में माइनस के फाइव, तो एपी का 10 पदों का योग माइनस फाइव है। एपी के प्रथम 10 पदों का जो योग होगा वो माइनस फाइव होगा। कुछ बच्चे कहेंगे इतना कम क्यों हो गया बेटा, माइनस प्लस भी तो होता है ना, तो प्लस की तरफ से चल रहे हैं, जब माइनस की तरफ जाएंगे तो हमारा कम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सवाल बहुत अच्छे से कराए जा रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो एपी के आपको 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। जो आपकी एपी है, पांचवा चैप्टर है, वो आपका 7 नंबर का आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे किसके अंक ज्यादा आए हैं। देखिए सवाल बहुत इजी है, और ये सवाल आपको ठीक है 3 नंबर का आएगा। इसमें बोल रहा है संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वा पद ए एन बराबर में 3+2n है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको ए एन जो n बराबर है, और आपको वहां पूछा भी है कि n बराबर 24, ये भी आपको दिया हुआ है, बट योग ज्ञात करा था ना हमारे पास ए है ना डी है। हर बार हम क्या है ए और डी से ही रिलेशन बनाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमें ये चाहिए, तो मान के चलेंगे, माना n बराबर में 1, 2, 3 रखने पर, लेट कुछ भी रख सकते हैं, तो ए वन बराबर में 3+2 × 1, तो ए वन बराबर में 3+2, ए वन बराबर में 5, ये पहली संख्या आ गई हमारे पास में। अब ए टू बराबर में 3+2 × 2, ए टू बराबर में 3+2 × 2 = 4, तो ए टू बराबर में 7। इसी प्रकार से ए थ्री लेंगे, तो ए थ्री बराबर में 3+2 × 3, तो 3+6 ठीक है 9 हो गया, तो हमारे पास ए पी हो जाएगी, तो ए बराबर हमारे पास 5 हो गया। डी बराबर में हम जब निकालेंगे तो प्रथम पद हमारा 5 है, द्वितीय पद हमारा 7 है, 7 - 5 ठीक है, ये हमारे पास उसने ऑलरेडी बोला है कि भाई सूची संख्या के सूची के प्रथम 24 पदों का योग है जिसका एनवा पद ये है, तो यहाँ हमें पता है कि ये एपी है, तो डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। ए आ गया, डी आ गया, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, ऐसे आप लाइनिंग मत करना जैसे मैंने करी है, सवाल चल रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे नीचे पेज के कर सकते थे, मैंने साइड में करा है ठीक है, और एपी यहाँ डाल सकते हो आपके एपी, एपी हमारा 5, 7 और 9 .. ऐसे करके ये आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे एपी के 24 पदों का योग ठीक है, तो एस 24 बराबर में 24/2, 2a+24 - 1d ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम ठीक है, 12 से काट दो, 12 बराबर में 12, 2 × a की वैल्यू हमारे पास 5 है बच्चे, 24 में से 23, और d की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब यहां से चलेंगे 12 का 12 रहने दो, 5 × 2 = 10 और 23 × 2 = 46 ठीक है साहब, बराबर में 12, और यहां हो जाएगा हमारा जोड़ेंगे तो 56 ठीक है साहब। अब हमारा गुणा करना है, 12 में कितने की करेंगे, 56 की आप गुणा कर दीजिए, आता है आपको बहुत अच्छे से ठीक है, नहीं आता है तो एक बार आप चेक कर लें चेक कर लीजिए ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 12 × 60 होते हैं, 60 की 0 वहां से कुछ है, सॉरी 12 × 72 ठीक है, 2 आ गया, 7 कैरी, 12 × 60 और 7 तो हमारा आंसर आएगा कितना, 672 ठीक है। एपी के प्रथम 24 पदों का जो योग है वो कितना है, 72 है। तो अब इस समय आपको एक कॉपी शो करते हैं जिस बच्चे के कितने आए हैं, 25 में से 25 अंक आए हैं, आप देख सकते हैं ये कॉपी यहाँ पे, उसको वेरी वेरी गुड भी मिला हुआ है, और ये कॉपी बहुत अच्छे से उस बच्चे ने लिखा है ठीक है। बच्चे का नाम है जूली, राइट, जूली है। एक एक सवाल आप कहें तो उसका चेक कर सकते हैं, बच्चे ने सवाल को बहुत अच्छे से करा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ठीक है, सारे सवाल बहुत अच्छे, जिस तरह से बताया गया कि आपको रफली यहाँ पे करना है, सवाल को ऐसे करना है, सभी बहुत अच्छे तरीके से करा है, सारे ही सवाल उस बच्चे के ठीक है। तो इस बच्चे ने एज ए ग्रेड वही करा है जिस प्रकार से अंक मिलते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इसी प्रकार से सवाल सॉल्व करें। यहां तक की वीडियो अगर आपने देख चुके हैं तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप बैठे क्यों हो, जाओ
जाके वीडियो औरों को शेयर करो, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।